तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी को बताए कि अब आ चुकी है गर्मी, और गर्मी के अंदर हालत ख़राब हो जाती है भाई। और यहाँ तक कि यार राजस्थान के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है भाई, हद से ज़्यादा। और ऐसे टाइम में अपन सबको ख्याल आता है कि भाई कोई एसी हो रूम के अंदर। तो गाइस यार, एसी तो मिल जाते हैं, लेकिन एसी की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि अगर एक बार उन्हें किसी कमरे में फिट कर दिया तो बस कर दिया, वो परमानेंट वहीं पे फिट हो जाते हैं। फिर अगर हमारा मन करे यार कि इस कमरे से उठा के उस कमरे में लेके चले जाएं, या फिर उधर उधर सोना हो तो उधर लगा ले, तो वैसा उस एसी के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गाइस यार, इसी चीज़ का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक पोर्टेबल एसी, जिसे आप ठीक वैसे ही जैसे कि आप कूलर को लेके जाते हो एक कमरे से दूसरे कमरे में, या फिर किसी फ्रिज को इधर उधर खिसका सकते हो, वैसे ही आप इस एसी को अपनी मनचाही जगह पर लगा सकते हैं, मनचाही जगह पे लेके जा सकते हैं। तो गाइस यार, इस चीज़ को मैंने ऑफलाइन ही खरीदा है, तो चलो इस चीज़ को आपके साथ ही शेयर करते हैं और आपके सामने ही खोलते हैं। तो गाइस यार, मुझे तो जो है इस एसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा ये जो स्टूडियो है ना, ये साउंड प्रूफ स्टूडियो है, इसीलिए इसके अंदर कोई विंडो नहीं है, यानी कि कोई खिड़की नहीं है, इसीलिए हम कोई ऐसी एसी लगा भी नहीं सकते हैं जो कि विंडो वगैरह में लगे। तो हमारे जैसे वर्क के लिए, या फिर जिसको एसी कोई ज़रूरत हो, तो मे बी उनके लिए ये पोर्टेबल एसी अच्छी साबित हो सकती है। तो चलो मैं इसको पूरा खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करती है, कैसे दिखती है और भी बाकी सारी चीज़ें। हाँ, तो गाइस यार, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। ये लॉयड कंपनी का एसी है, एक टन का, और इसे मैंने ख़रीदा है 25,000 रुपये में ऑफलाइन। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो गाइस, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का एक पता नहीं क्या है, एक ये है और ये रहा इसका एक पाइप जो कि कुछ इस तरीके से खुल जाता है। देखो अब इसका क्या यूज़ है ये आपको आगे पता चलेगा। इसे अपन साइड में रख देते हैं और इसके साथ साथ में ये कागज आता है, ये पैकेजिंग फॉर्म है और ये रही हमारी एसी। राइट गाइस, तो यार इस तरीके से खोलना पड़ेगा इसे अपने स्टाइल में। A few moments later. तो गाइस यार, आप देख सकते हैं कि एसी जो है इतनी ज़्यादा वजनी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने अकेले ही आसानी से उठा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये किसी कूलर की तरह है। जी हाँ गाइस, आपने देखा ना कि आपके घरों में वो जो छोटे छोटे कूलर होते हैं जिसको अपन इधर उधर से लेके जा सकते हैं, ठीक वैसा ही आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट इसका साइज है और साथ ही साथ देखने में ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जैसे कि कोई छोटा सा फ्रिज हो। तो गाइस देख लो, चारों तरफ से देख लो, दिखा दो एक बार पब्लिक को चारों तरफ से कि कैसी है हमारी एसी। इसके साथ में आपको एक रिमोट भी देखने को मिल जाता है, इसे भी खोल देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक छोटा सा रिमोट है जिससे कि हम एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा रिमोट है, देखो है ना, मस्त ब्लैक कलर का। और इसके साथ ये मैनुअल मिलती है और बस यही चीज़ है। और गाइस यार, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पाइप क्या काम आता है। तो गाइस यार देखो, एसी जो होता है वो आपके अंदर के रूम की हवा को, गर्म हवा को लेता है, उसे ठंडी हवा के अंदर बदलता है और फिर से छोड़ देता है। लेकिन वो जो हीट एक्सचेंज होती है, उस हीट को हमें बाहर निकालना होता है, तभी जो हमारा रूम है वो ठंडा हो पाता है। तो गाइस यार, उसी के लिए ये जो पाइप है ये आता है। राइट गाइस, आप देख सकते हैं कि ये पाइप लग चुका है और ये कितना प्यारा है यार, देखो खुलता ही जा रहा है, खुलता ही जा रहा है। इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा, देखो ये इतना ज़्यादा लंबा है, देखो देखो इतना ज़्यादा लंबा है। और इसके साथ साथ में हमें ये चीज़ भी देखने को मिल जाती है जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसे कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे कहीं पे भी दीवार पे लगा सकते हैं और इसका ये वाला जो मुंह है इसके अंदर से कस देते हैं इस तरीके से, और फिर जैसे चाहे इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं पाइप को। ठीक है गाइस, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एसी को ऑन करते हैं, तो एसी का प्लग हमने लगा दिया है, स्विच को ऑन करते हैं
ऑलराइट गाइस, एसी ऑन हो चुकी है, इसके अंदर भी हमने सेल डाल दिए हैं। अब देखते हैं कि कैसी ठंडी ठंडी हवा दे रही है। और साथ ही साथ गाइस एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपको पता है कि जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसके अंदर हल्का हल्का सा पानी भी निकलता है, तो उसके लिए भी ड्रेन पाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत अपने को तो नहीं लग रही, बाकी जिसको ज़रूरत हो तो वो एक छोटा सा पाइप लगा के उसे भी इसके साथ में ही बाहर भेज सकता है। तो चलो इसे चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ बटन्स हैं इस एसी के अंदर, यहाँ पे फ़ैन बना हुआ है, यहाँ पे कम ज़्यादा करने के लिए है, और ये कुछ फंक्शंस का है और ये ऑन का है। तो इसे क्लिक करता हूँ, ये पूरा टच है यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबरिंग्स शो होना स्टार्ट हो गई है। ओह मैजिक गाइज, आप देख सकते हैं कि इसका फ़ैन यहाँ से निकलता है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ हवा देता है। और गाइस जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, ये तुरंत ही ठंडी हवा दे रहा है। जी हाँ गाइस, तुरंत ही अगर मैं इसे देखूं कि हवा कैसी दे रहा है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये तुरंत ही जैसे ही मैंने इसे स्टार्ट किया, इसने हवा देना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ गाइस आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्लोअर है वो भी सच में काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी तेज़ हवा आ रही है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी यार कि मतलब कि जैसे ही एसी चालू किया, तुरंत ठंडी हवा आना स्टार्ट हो गई। पाइप देखते हैं कि पाइप के अंदर कैसी हवा आ रही है। ओ तेरी गाइस, यार यकीनन पाइप के अंदर से आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा आ रही है, लेकिन अरे जल जा लेकिन गाइस जितनी ठंडी हवा वो नहीं है, उससे ज्यादा गर्म हवा ये है। जी हाँ गाइस, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा आ रही है। हाँ, सर्दी के अंदर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब एसी को बाहर रख दो और पाइप को अंदर ले लो, जो रूम है वो गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें इस एसी के अंदर हीट मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि सर्दियों के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर फ़ैन मोड, ड्राई मोड, जो कि दूसरे नॉर्मल एसी में होता है, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल जाता है। वो टच स्क्रीन था, मेरे हाथ से दब गया। तो गाइस यार, ये था पोर्टेबल एसी। इतनी इसकी ऊंचाई है, देखो सच में काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है। बस इस पाइप का जुगाड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मस्त चीज़ है। अगर अपना मन किया यार कि इस कमरे के अंदर एसी है, किसी भाई से लड़ाई हो जाए, उसका एसी लेके दूसरे कमरे में चले जाओ, वो गर्मी में सोएगा, ये फ़ायदा है इस चीज़ का, काफ़ी मस्त। पाइप भी बढ़िया, देखो वापस फोल्ड भी हो जाता है और कहीं पे भी रख सकते हैं इसको, इस कमरे से उस कमरे में, इसीलिए तो पोर्टेबल है। तो गाइस ये था एसी, एक बार और देख लो चारों तरफ से, पीछे की तरफ कुछ इस तरीके की डिज़ाइंस वगैरह है, और आसानी से इसे अपन उठा सकते हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, कोई भी इसे आसानी से, चाहे घर में लेडीज़ हो, कोई महिला हो, तो वो भी आसानी से इसे उठा सकती है। टच स्क्रीन है, ये बंद हो गया। अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, फ़ैन की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिमोट से भी चला सकते हैं, रिमोट भी काफ़ी प्यारा है। तो ये था हमारा पोर्टेबल एसी, अपने लिए प्रोडक्ट मंगाया, सोचा आपको भी बताएं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप भी ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं। हवा तो काफ़ी ठंडी देता है, और जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है वो आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। 25,000 का एसी है, ऑनलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओ मस्त घूमता है, ऐसे किसी निकल गया था लग रहा है वॉशिंग मशीन हो, वॉशिंग मशीन नहीं एसी है, वॉशिंग मशीन भी इससे बड़ी होती है यार गाइस, ये काफी कॉम्पैक्ट है, मस्त चीज, एक नंबर, इजी टू यूज, और इधर उधर लेके फिरते रहो, तेरा एसी मेरा एसी।